हे गाइस, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने व्हाट आर हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस के बारे में जान लिया है, आप लोगों ने सोर्सेस जान लिए हैं कि हमारे जो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन का सोर्स क्या है, उनका डिसॉल्वड कंटेंट कहाँ से आता है, ये एग्जैक्टली होता क्या है और इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं। ये मेरी सारी जो प्रीवियस वीडियो है, पार्ट 1 है, उसके अंदर आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ऑल्सो आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी जान चुके होंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल डिपॉजिट्स। तो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर 4 डिपॉजिट्स आ जाती हैं। किसके बेसिस पे? उसकी डेप्थ पे ऑफ फॉर्मेशन, के बन कहाँ रहा है, वो कितने डेप्थ के ऊपर बन रहा है, कितने टेम्परेचर के ऊपर बन रहा है, कैसी रॉक्स में बन रहा है और किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाइपोथर्मल, मीजोथर्मल, एपीथर्मल, टेलीथर्मल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको बड़े सीक्वेंस में याद करेंगे, फ्रॉम हाई टेम्परेचर या फिर कहीं हाइयर, ज्यादा डेप्थ से लोअर डेप्थ तक। तो जो हाइपोथर्मल है, हाइपो इज हाइपर, ठीक है, तो इसकी जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, जो कि 300 to 600 है, और इसका जो डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन है वो भी ज्यादा होगा, जो कि 1.5 to 3 किलोमीटर तक हो सकता है। वहीं मीजोथर्मल अगर बात करें तो 1.2 किलोमीटर to 4.5 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर 200 से 300, तो इसमें टेम्परेचर में थोड़ा सा इसने कंपेंसेशन कर दिया। हाइपो हाइपर, ठीक है, मीजो मीजो जनरली हम लोग बीच का है ना, थोड़ा इंटरमीडिएट हो गया ये। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एपिथर्मल, टेलीथर्मल। इनमें कैसे याद करें, जो एपिथर्मल है वो सरफेस से लेकर के कुछ 1500 मीटर तक जाता है ये, लेकिन जो टेलीथर्मल है वो नियर सरफेस, इसका मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, जो डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी कैसे याद करें, अब टेली मतलब टेलीफोन, टेलीफोन ये तो है नहीं कि हम लोग जमीन में जाके टेलीफोन करेंगे, तो सरफेस वाला कौन सा है, टेलीथर्मल है। जो एपिथर्मल है वो नियर सरफेस टू 1.5 किलोमीटर, ऐसे हमें डेप्थ याद हो गई है। टेम्परेचर 300 से 600 डिग्री, 200 से 300, 50 से 200, और ये प्लस माइनस 100 और 50 कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत है, कुछ बुक्स में 50 होता है प्लस माइनस, तो ये चल जाता है। तो ये हमारे पास इसके टेम्परेचर और डेप्थ को हम लोग याद कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग इतनी डेप्थ के अंदर जा रहे हैं हाइपो के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि प्लूटोनिक रॉक्स होंगी, पुराने टाइम्स की रॉक होंगी, क्योंकि जितना डेप्थ में जाएंगे उतनी पुरानी रॉक्स होंगी, तो जनरली ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन होगी हमारे पास, या फिर रिवर्स फोल्ड्स हो गए, ये सब हमारे पास देखने को मिलते हैं इनके अंदर। लेकिन हाई मीजोथर्मल में भी कुछ गेम ऐसा ही है, उसमें भी इंट्रोसिव इग्नियस रॉक्स ही हैं, इसमें फोल्ट हमारे पास नॉर्मल और रिवर्स दोनों हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं एपिथर्मल की, तो इसके अंदर हमारे पास अभी सरफेस के साथ इसका रिलेशन है, सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकती हैं, इग्नियस भी हो सकती हैं, इन पोस्ट प्री कैम्ब्रियन रॉक्स नॉट सो डीपली इरोडेड अलॉन्ग नॉर्मल फॉल्ट्स और ज्वाइंट्स के अंदर हमें इनकी अकरेंस देखने को मिल जाती है। अगर टेलीथर्मल की बात करें तो बिल्कुल ही हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, लावा फ्लो ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर ही होता है, इन एरियाज वेयर प्लूटोनिक रॉक्स आर एब्सेंट, तो इसमें प्लूटोनिक रॉक्स का सवाल ही नहीं होगा टेलीथर्मल में। तो अकरेंस भी हम लोग थोड़ा बहुत, देखो एस्टिमेशन इज इंपॉर्टेंट, ऑप्शन हम लोग इजिली लगा सकते हैं, अगर हमें थोड़ा एस्टिमेशन है इस चीज का। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनरल्स का गेम। अब मिनरल्स कैसे देखें इनके अंदर, जैसे इसके अंदर ये सिनाबार है, अब HgS होता है हमारे पास, ये मरकरी है ना, तो मरकरी अभी डेप्थ में क्या करेगी, मरकरी सरफेस के ऊपर ही होगी ना, तो थोड़ा सा इसको याद कर रहे हैं हम लोग, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये नहीं होगी, तो ये सिनाबार हमें मरकरी या फिर नियर सरफेस डिपॉजिट्स में मिल जाएगी। गैलेना हमें कहीं मिल जाती है, गैलेना हमें यहाँ पे मिल रहा है, गैलेना इसके अंदर भी मिल रहा है, एंड गैलेना हमें इनके अंदर भी मिल जाता होता है। ठीक है, इतना ये कहीं ना कहीं कॉमन ही है, ये हाई टेम्परेचर पे भी मिलता है हमको, ये लो टेम्परेचर पे भी मिल जाता है। बात करते हैं चालकोपायरेट की, चालकोपायरेट CuFeS2 है ना, चालको इज फॉर कॉपर, पायरेट इज FeS2। जो चालकोपायरेट, पायरेट, आयरन वगैरह जैसे मिनरल्स हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये हाई टेम्परेचर वाले मिनरल्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा एपिथर्मल है, इसके अंदर नेटिव कॉपर, नेटिव गोल्ड, नेटिव सिल्वर,
ये सब चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं एपिथर्मल में। देखो मैं ये बार बार शफलिंग क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बनना सेट हो कि मैंने मरकरी को कहाँ याद रखा था, मैंने नेटिव वाले केसेस टेलीथर्मल की एडजेसेंट याद किए थे, गलेना कहीं ना कहीं कॉमन ही था, ठीक है, और जो हाई टेम्परेचर वाले आयरन वगैरह वाले हैं वो हाई टेम्परेचर में होंगे, मतलब कि जो ज्यादा डेप्थ में होंगे, जाहिर सी बात है, चाल्कोपायरेट हो गया, ठीक है, स्फेलराइट हो गया। तो इस तरीके से हम इनकी और मिनरल्स डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन अकरेंस को याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेसिस ऑफ वोल्केनिक एसोसिएटेड मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम है ना, इसको आसान करते हैं। पहले देखो वोल्केनिक एसोसिएटेड क्यों कहा, क्योंकि जो हमारे हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, वोल्केनिज्म से ही एसोसिएटेड हैं, वहीं से ही कहीं ना कहीं इसका लिंक पड़ता है, ठीक है। मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट, सल्फाइड डिपॉजिट, सल्फाइड के डिपॉजिट होंगे। प्रोसेस बहुत ही आसान है, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन आएगा नीचे से, ठीक है, सी फ्लोर के ऊपर जाएगा, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, देन अब क्या होगा वो स्टोरी हम अभी समझेंगे। तो हमने इसको चार स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, वो स्टेजेस क्या हैं, सबसे पहले कि हमें सल्फाइड डिपॉजिट करने हैं, ये बात ध्यान रखनी है। कैसे, सबसे पहले स्टेज वन में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ फाइन ग्रेन स्फेलराइट गैलिना पायराइट, ये सब हमारे पास डिपॉजिट हो जाएंगे कब, जब हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन कांटेक्ट में आएगा किसके, कोल्ड सी वाटर के, एकदम जब ठंडे पानी के कांटेक्ट में आया हमारा हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन, इमीडिएटली क्या किया उसने, मिनरल्स का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि एकदम टेम्परेचर फॉल हो गया तभी मिनरल्स क्रिस्टलाइज कर गए, लेकिन इतने क्रिस्टलाइज नहीं करे, उसको इतना टाइम नहीं मिला कि प्रॉपर शेप बन पाए, लेकिन वो फाइन ग्रेन क्रिस्टल्स हमारे पास बन गए, डिफरेंट डिफरेंट गैलिना बन गया, पायराइट बेराइट चाल्कोपायराइट भी हमारे पास इसके अंदर बन गया, जिसको हम लोग ब्लैक और भी कह सकते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है। देन हमारे पास स्टेज टू में क्या हुआ, अभी हुई ग्रेन ग्रोथ और रिक्रिस्टलाइजेशन। वैसा क्यों हुआ, क्योंकि जब नीचे से हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा था, ये ऊपर से एक लेयर सी बन गई है जो कि कांटेक्ट में है हमारे सी वाटर के, अब ये तो है नहीं कि वो खत्म हो गया, नीचे से सॉल्यूशन अभी भी आ रहा है, लेकिन अब वो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए वो इतनी ठंडी अचानक से नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो हॉटर होगी। अब क्या होगा, अभी होगा क्या, रिक्रिस्टलाइजेशन होगी और ग्रेन की ग्रोथ होगी, क्योंकि अब उसको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है ना, तो वो हाई टेम्परेचर पे है ना वो लो टेम्परेचर पे, एग्जैक्टली तो वो बीच में कहीं ना कहीं है, तो वहां पे हमारे पास जो क्रिस्टल्स होंगे, जो उसका सोल्यूशन है, वहां से हमारे पास उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन होगी और ग्रेन की ग्रोथ भी होगी, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट मिल गया एट द बेस ऑफ द इवॉल्विंग माउंट बाय हॉटर सोल्यूशन, उसके बेस पे जो नीचे से आए जा रहे हैं, टुगेदर विद द डिपोजिशन ऑफ मोर स्फेलराइट, अब साथ साथ स्फेलराइट भी, जिंक सल्फाइड, क्योंकि हमारा एम सल्फाइड डिपोजिट ही है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में अब सल्फाइड आ रहा है, ठीक है, पहले भी सल्फाइड आ रहा था, ठीक है। अभी क्या हो गया फर्दर, अभी वो 250 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन वो अब ऊपर ऊपर हो गया, ठीक है, अब ये बिल्कुल सबसे पहले हमारे पास ब्लैक वाटर हो गया ठंडा, उसके नीचे ये मिनरल्स होंगे, एक लेयर सी बन गई है, उसके नीचे हमारे पास ये रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके नीचे हमारे पास ये अभी और भी हाई टेम्परेचर कॉपर सोल्यूशन आ रहा है, कॉपर रिच सोल्यूशन हमारे पास अभी नीचे से वो आ रहा है। अब वो क्या करेगा, जो अर्लियर पहले डिपॉजिट हुए थे स्फेलराइट वगैरह, इन सबको रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा और चाल्कोपायराइट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम हमने रखा येलो और, ठीक है, आई थिंक हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में चीजें बनती जा रही हैं और रिडिपोजिशन रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, नया नया मिनरल्स का जो सोल्यूशन है वो आता जा रहा है एंड डिपोजिशन होती जा रही है। स्टेज फोर में क्या हुआ, स्टेज फोर इज स्टिल हॉटर, क्योंकि नीचे से सोल्यूशन आए जा रहे हैं, कॉपर अंडर सैचुरेटेड सोल्यूशंस, जो कॉपर वाले सोल्यूशन है वो डिजोल्व करना स्टार्ट कर जाएंगे क्या, चाल्कोपायरेट को, जो चाल्कोपायरेट पहले बना था अब वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और बनेगा क्या, पायराइट रिच बेसिस इन द डिपॉजिट। अब बेस में एट द एंड हमारे पास पायराइट रिच, ये देखो पायराइट बनना स्टार्ट कर गया है,
तो ये हमारे पास, हमने एक स्टेज टू थ्री फोर की फॉर्म में इस चीज को प्रोसेस को समझा कि पहले सॉल्यूशन आया, उसके कांटेक्ट में कुछ मिनरल डिपॉजिट हुए, देन फर्दर वो आया, उसने फिर से वो क्रिस्टलाइज किया, एंड देन आगे रिप्लेसमेंट चलती रही, येलो ओर बनी, ठीक है। देन फर्दर एट द लास्ट जो चाल्कोपायरेट था वो डिसॉल्व हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर पायरेट डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए, जो कि वो भी सल्फाइड है। तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ चिमनीज एंड सल्फाइड माउंट्स ऑन द सी फ्लोर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो प्रोसेस है उसको समझते हैं, थ्योरी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार डायग्राम की तरफ अगर नजर देंगे तो एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि है क्या ये एग्जैक्टली, ठीक है। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास है चिमनी, यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे पास क्या बनी हुई है, चिमनीज बनी हुई है, ठीक है। ये तो खत्म टूट गई है बिल्कुल, ये इधर चिमनीज है जो एक्टिव चिमनी है, इधर हमारे पास एक्टिव चिमनी है पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, बेसिकली चिमनी क्या है, चिमनी इज जो हमारे घरों में भी होती है, एक जो धुआं होता है उस सबको बाहर निकाल देती है ना, घर से बाहर निकालने का काम करती है किचन के अंदर, ठीक है। चिमनी इज वॉट इट इज बेसिकली द पैसेज जो प्रोवाइड करती है। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास नीचे से हमारे पास हाइड्रोथर्मल सोल्यूशन आ रहा है, तो ठीक है। तो उसके लिए रास्ता कौन प्रोवाइड कर रहा है, चिमनी प्रोवाइड कर रही है। सवाल यही खड़ा होता है कि चिमनी बनती कैसे है, ठीक है। अब यहां से मान लो चिमनी हमारे पास नहीं है, सबसे पहले नीचे से सोल्यूशन ऊपर आ रहा है, जब सोल्यूशन ऊपर आ रहा है तो कोल्ड वाटर में से एनहाइड्राइड प्रेसिपिटेट कर जाता है, कोल्ड वाटर में से एनहाइड्राइड प्रेसिपिटेट कर जाता है, जो कि सराउंड कर लेता है किसको, उस सॉल्यूशन को जो सॉल्यूशन बाहर आ रहा है, उसकी सराउंडिंग होती रहती है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में वो ऊपर बढ़ता रहता है और वो उसको बिल्कुल कवर कर लेता है और उसकी हाइट ऊपर तक बढ़ती रहती है। ये था हमारे पास बिल्कुल एक लेमैन में, लेकिन हमारा इतना काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये दिमाग में है तो काम हो जाएगा। एक और बात यह है कि एट एक सफिशियंट टाइम या फिर सफिशियंट हाइट के बाद वो क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाती है, तो फिर वो नीचे ऐसे गिर जाती है। ये बिल्कुल हमने बच्चों की तरह इसको सीख लिया है, लेकिन अभी जो थोड़ी सी कहानी है थ्योरी में वो समझ लेते हैं कि चिमनी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और सल्फाइड माउंट्स सी फ्लोर के ऊपर कैसे बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्लैक स्मोकर्स क्या है। ब्लैक स्मोकर सबसे पहले जो डिस्कवर किए गए थे वो 1970 में बताया गया था ओशन फ्लोर के ऊपर बाय सबमर्सिबल। ये है क्या बेसिकली, ये प्ल्यूम्स हैं, प्ल्यूम्स ऑफ हॉट ब्लैक और समटाइम व्हाइट हाइड्रोथर्मल फ्लूड इशूइंग फ्रॉम चिमनी लाइक वेंट। चिमनी हमने समझ लिया कि चिमनी से बाहर आते हैं कुछ प्ल्यूम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, वो हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैक स्मोकर होते हैं। मेनली ब्लैक होता है बट व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है। अब ब्लैक स्मोक क्या है, बेसिकली ये कलर्ड हो सकते हैं ड्यू टू मेटालिक सल्फाइड पार्टिकल्स, ये व्हाइट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम सल्फेट्स। इनकी हाइट कहाँ तक जा सकती है, जो चिमनीज हैं बेसिकली वो 6 मीटर हाई, 6 मीटर हाइट होना काफी बड़ी बात होती है, और 2 मीटर चौड़े हो सकते हैं ये, ठीक है। तो इतनी इनकी डायमेंशन हो सकती हैं, ठीक है। दे स्टैंड ऑन द माउंट्स ऑफ मैसिव और ग्रेट सल्फाइड। सल्फाइड के जो माउंट्स होते हैं, हमने इसको देखा था पिक्चर के अंदर, सल्फाइड के जो माउंट्स होते हैं ये रीजन, ये इनके ऊपर बनते हैं बेसिकली, ये इनकी क्या लोकेशन है। तो हमें ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि चिमनी का फॉर्मेशन का जो बेस है वो क्या होता है, दीज आर माउंट्स ऑफ सल्फाइड्स, ठीक है, ये हम ऐसे समझ सकते हैं। देन जो ग्रोथ है वो स्टार्ट कैसे होती है, ग्रोथ मतलब बनता कैसे है चिमनी, ये समझते हैं। सबसे पहले होती है प्रेसिपिटेशन, किसकी, एनहाइड्राइट की। एनहाइड्राइट आई गेस कैल्शियम सल्फेट ही होता कोई, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, किसको कवर कर लेता है, जो हमारे पास प्ल्यूम आ रहा है जो हमने पिक्चर में देखा है, जैसे प्ल्यूम बाहर आ रही है, ठीक है। देन फॉर्मिंग ए पोरस वॉल ऑफ कंटिन्यूअस, और वो उसको सराउंड करते हुए जो उसकी वॉल्स बनती हैं वो काफी पोरस होती हैं, जहां से हमारे पास वो प्ल्यूम बाहर निकलता है, और जैसे जैसे प्ल्यूम हमारे पास ऊपर चलता रहता है वैसे वैसे हमारे पास चिमनी की ग्रोथ होती रहती है।
अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो वॉल्स है वो पोरस है, पोरस मतलब परमिएबल, है ना, मतलब वो कुछ ना कुछ हेल्प करेंगी। किस चीज की हेल्प करेंगी, जैसे हमारे पास ये प्ल्यूम बाहर आ रहा है मेन वेंट से, मेन यहाँ से जो इसका होल है, तो पोरस होने की वजह से साइड से भी बाहर आ सकता है। स्मॉल पोर्शन फ्लोज थ्रू द पोरस एनहाइड्राइड वॉल, ठीक है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ इसकी ग्रोथ होती रहती है, वैसे वैसे साथ साथ ये नीचे से भी थिकन होता रहता है इसको सपोर्ट देने के लिए। अब थिकनिंग कैसी हो रही है, थिकनिंग बाहर से तो हमने देख लिया कि हमारे पास एनहाइड्राइट बन रहा है, लेकिन साथ साथ जो इसकी इंटीरियर वॉल्स हैं, इंटीरियर साइड, वहां पे हमारे पास सल्फाइड डिपॉजिट होने स्टार्ट कर जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इंटीरियर साइड में इसके पास सल्फाइड होंगे, एनहाइड्राइट विल बी ऑन द एक्सटीरियर साइड या फिर आउटसाइड, ठीक है। तो एक इसमें रेट बता दिया है हमको कि दिन में कितना ये ग्रो कर जाता है, तो हम एवरेज मान लेंगे 15 सेंटीमीटर पर डे ये इसकी जो हाइट है वो ये बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये अनस्टेबल हो जाता है तो ये कोलैप्स कर जाता है, और फर्दर इसके ऊपर हमारे पास प्रोसेस चलता रहता है, कोलैप्स बार बार होता रहता है और बनता रहता है, तो ये इसका सिस्टम चलता रहता है। वंस ए माउंड हैज डेवलप्ड, इट ग्रोज बोथ बाय अकुमुलेशन ऑफ चिमनीज डेब्रीज ऑन इट्स अपर सरफेस एंड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड विद इन द माउंड, तो उसकी वो प्रेसिपिटेशन उसी के अंदर चलती रहती है, ठीक है। तो डायग्रामेटिकल भी हम इसको देख सकते हैं, चिमनी कोलैप्स कर गई, ये पोरस वॉल्स हैं, एनहाइड्राइट कॉन्स ये साइड, मतलब यही इसका छोटा भाई कह लो, यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं, नीचे से हमारे पास सोल्यूशन आ रहे हैं, सी फ्लोर है। आई थिंक पूरी पूरी अब कहानी समझ गए, तो क्वेश्चन मार्क भी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आ गई है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।